तो आज मैं आपको मिलवा देता हूँ निसान की कास्के से। निसान की कास्की एक बहुत ही जेन्युइन सी लेवल की गाड़ी लॉन्च होने वाली है इंडिया में, जिसके बारे में इंडियन जनता अब तक प्रिडिक्ट नहीं कर रही थी। और कुछ जनता को पता भी होगा कि हाँ, निसान की कास्की जैसी गाड़ी लॉन्च होने वाली है, बहुत ही जल्द इंडिया में देखने के लिए मिलने वाली है, वो भी December 2023 में ही, मतलब लास्ट मंथ में आपको देखने के लिए मिल जाएगी 2023 की। तो पहले इस गाड़ी की लुक की बात कर लेते हैं। तो ये गाड़ी जो देखने में लगने वाली है, एक फ्यूचरिस्टिक लुक के साथ में आपको देखने के लिए मिलेगी। वहीं आपको ग्रिल जो होगा गाड़ी की, वो आपको एक क्लासिक लुक में ही देखने के लिए मिलेगी। मतलब कि ये गाड़ी एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन होने वाली है क्लासिक और मॉडर्न टच का। तो स्वागत है आप सबका MW हिंदी में। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करे या फिर चैनल पे नया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, देर किस बात की, और वीडियो को भी लाइक कर देना, और हो सके तो तुम लोग सपोर्ट कर देना, थोड़ा सा वीडियो को शेयर भी कर देना, ताकि थोड़ा सा मेरा चैनल ग्रो हो जाए, क्योंकि चैनल अभी बहुत छोटा है और तुम लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है ताकि मेरा चैनल ग्रो हो सके। तो फिर लगे हाथ शेयर कर दो थोड़े से वीडियो को, कि थोड़े से व्यूज मुझे भी मिल जाए मेरे भाई। तो फिलहाल तो बात कर रहे थे हम लोग निसान कास्की के बारे में। तो कास्की जो रहने वाली है, एक सही में जेन्युइन सी लेवल की गाड़ी रहने वाली है, जिसकी लुक्स बहुत ही ज्यादा प्रीमियम और क्लासिक, और उसके साथ ही साथ आपको एक मॉडर्न एंड फ्यूचरिस्टिक टच के साथ में देखने के लिए मिलेगा, जो कि अब तक इंडिया में जितनी भी गाड़ियां बना रही थी वो सारी की सारी एक फ्यूचरिस्टिक टच में देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये गाड़ी एक अनदर लेवल पे जाके इस काम को करने वाली है। तो स्वागत कर देते हैं इस गाड़ी का भी हम लोग इंडिया में, और बहुत ही धूमधाम से। बस प्राइस थोड़ी सी ओवर प्राइस देखने के लिए मिलने वाली इस गाड़ी, जो कि ऑलमोस्ट ऑडी वगैरह की टक्कर ही हो सकती है, लेकिन ये बस प्रेडिक्टेड प्राइस हो सकता है कि इसका प्राइस थोड़ा सा और घटा हुआ देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि रहने वाली तो निसान की है। तो हम लोग आगे बढ़ते हुए इस गाड़ी की थोड़ी अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या बेहतरीन होने वाली इस गाड़ी में। तो लेटेस्ट जो न्यूज आई है, अब तक की अपडेट जो आई है इस गाड़ी को लेकर, वो ये रहने वाली है कि ये गाड़ी आपको एक्स थ्रिल के लॉन्च के बाद ही ये गाड़ी लॉन्च होते हुए दिखने वाली है, जो कि एक्सपेक्ट कर जा रहा है December 2023 तक। और जो इसका एक्स शोरूम प्राइस रहने वाला है, मैं बता देता हूँ आपको प्राइस भी, तो वो रहने वाली है एक्स शोरूम प्राइस 30 लाख से लेकर 35 लाख तक। और जो इंजन पावर ट्रेन आपको देखने के लिए मिलने वाला है, वो जो बेस मॉडल होगी उसमें आपको 998 cc की इंजन देखने के लिए मिलेगी, लेकिन वहीं आपको मिड वेरिएंट देखने के लिए मिलेगा, उसमें 1.3 लीटर का इंजन देखने के लिए मिलेगा, वो भी हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ में। वहीं पे 12 वोल्ट का आपको मिड हाइब्रिडाइजेशन टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिल जाता है। और जो आपको टॉप मॉडल में एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 1.5 लीटर की पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिलेगी, जो कि 200 हॉर्स पावर तक जनरेट करके दे देगी, जो कि बहुत ही ज्यादा हो जाती है, एक स्पोर्ट्स कार जितने की आपको फील देखने के लिए मिल जाएगी इस गाड़ी में, एक मिड साइज SUV होते हुए भी। वहीं आपको इसमें 6 स्पीड गियर ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलने वाला है, तो 6 गियर्स मिलने वाले हैं सिर्फ स्पीडिंग के लिए, तो अच्छी बात है, और 1 गियर रिवर्स के लिए, मतलब कि गाड़ी में होने वाली है 7 गियर ट्रांसमिशन, तो अच्छी सी बात है, क्योंकि अभी ये चीज ट्रेंड में है थोड़ा सा, और काफी लो बजट गाड़ियां भी 6 स्पीड ट्रांसमिशन ऑफर कर रही है, तो इसमें करना भी चाहिए था। वहीं गाड़ी के अंदर में आपको एक कमाल की फीचर देखने के लिए मिलने वाली और रहने वाली है कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, जो कि आपके फोन से कार कनेक्टेड रहेगी, आप कहीं से भी गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, AC कंट्रोल कर सकते हो, ये सारी फीचर्स, आप बेसिक जो भी फीचर्स हैं वो अपने फोन से ही कंट्रोल कर सकते हो। और उसके साथ ही साथ एक और कमाल की चीज मिलने वाली है, इनबिल्ट Alexa आपको देखने के लिए मिल जाएगी कनेक्टिविटी के साथ में, जो कि आपके फोन से कनेक्ट हो सकती है और आपके घर की Alexa से कनेक्ट हो सकती है, तो ये काफी ज्यादा अच्छी सी चीज है जिसकी जरूरत होती ही है। और एक वॉइस कमांड कंट्रोल से आप कहीं से भी अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हो। और फिर वहीं आपको वायरलेस एप्पल कार कनेक्टिविटी भी देखने के लिए मिल जाती है, और उसके साथ ही साथ आपको एंड्रॉइड ऑटो भी देखने के लिए मिल जाता है। और जो इंफोटेनमेंट डिस्प्ले रहने वाला है, वो आपको 12.13 इंच का देखने के लिए मिलेगा। वहीं जो आपको गाड़ी में चार्जर मिलने वाले हैं, वो आपको फास्ट वायरलेस फोन चार्जर देखने के लिए मिलेंगी, और गाड़ी में एम्बियंट लाइटिंग भी आपको देखने के लिए मिलेगी, तो बाहर से आपको कुछ भी फिट करवाने की जरूरत नहीं है। सेफ्टी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं गाड़ी में, तो गाड़ी आपको ADAS ऑफर कर रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, और लेन डिपार्चर वार्निंग भी मिल जाएगी, मूविंग ऑब्जेक्ट डिटेक्शन भी देखने के लिए मिल जाएगा, इंटीग्रेटेड रियर ऑटोमेटिक ब्रेकिंग मिल जाएगी, और उसके साथ ही साथ ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन भी मिल जाता है, उसके साथ में बहुत सारी फीचर्स भी मिल जाएंगी अलग अलग। और जो बेसिक फीचर है सेफ्टी की, इक्विपमेंट्स, वो सारी तो आपको देखने के लिए मिलेगी ही, जैसे कि एयरबैग्स हो गए, ABS हो गए, EBD हो गई, एंड एक्सेट्रा चीजें आपको मिलेंगी। तो इस गाड़ी के जो कंपेटिटर्स रहने वाले हैं वो कौन कौन होने वाली है, इस गाड़ी के जो मेन कंपेटिटर्स रहने वाली हैं वो रहने वाली हैं जीप कंपास, Hyundai Tucson एंड सीट्रॉन
C5 Aircross। तो जी हाँ, सिट्रॉन भी इसे टक्कर देगी, क्योंकि सिट्रॉन भी अपनी एक नई गाड़ी इंडिया में लॉन्च करने वाली है, जिसकी वीडियो मैं बना दूंगा। इसके बाद मैं उसी वीडियो को अपलोड करूंगा। तो वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, थोड़ा सा सपोर्ट कर दें, क्योंकि चैनल काफी छोटा है मेरा, थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है आप लोगों की। और वीडियो को भी लाइक करते हुए जाएं।